अम्बेडकर नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र के आलापुर के समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक का आयोजन सपा कार्यालय रामनगर में हुआ। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम शुक्ल यादव रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रत्याशी अध्यक्ष जिला पंचायत अजीत कुमार यादव रहे। पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने सभी मौजूद पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं शुभचिंतकों को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहें। पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने कहा कि मौजूदा भाजपा की सरकार में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार की घटना रोजमर्रा हो रही है। भाजपा की सरकार से छुटकारा पाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए जिससे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जा सके। जिला अध्यक्ष राम शकल यादव ने किया कहा कि इस समय देश की हालत बद से बदतर हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। अब झूठा वादा करने वाली भाजपा की सरकार जाने वाली आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें जिससे सभी वर्गों का भला हो सके। पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त एवं जिला अध्यक्ष राम शकल यादव के समक्ष बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सैकड़ों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता सदस्यता ग्रहण किए जिसमें ग्राम सभा तिद्रा दाऊदपुर निवासी वरिष्ठ नेत्री रमा देवी और कन्नौजिया और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तथा लालमनपुर निवासी गोविंद कुमार अपने सैकड़ों समर्थकों के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने वाले प्रधान विष्णुपुर बनकटा ब्रजमोहन संतोष कुमार लालसा प्रसाद राजमन गौतम बलराम गौतम शीला देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संचालन विधानसभा अध्यक्ष भीमलाल कन्नौजिया ने किया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख प्रमोद दत्त, ब्लॉक अध्यक्ष राज बहादुर यादव, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद निषाद, जिला सचिव लालमणि गौंड, प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, संजय गौतम, सपा नेता राम प्यारे, निषाद रामचंद्र वर्मा, अजय कुमार एडवोकेट सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट बाय आजाद सी समाचार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।